रो आजा बेटी, जमना तू भी आजा, आजा बेटी आजा। आ बेटा वीरमती आई मेरी बेटी। और क्या होगा मेरी बेटी का? इसके पापा तो गुजर गए, अच्छा इनके फार्म को कौन संभालेगा, कैसे चलेगा जी। लेकिन ये आज ये गौ माता की कृपा है, जो अम्मा बेटा पूरे सक्सेसफुल हुए हैं जी, जी। आज ये सभी नहीं की कृपा से सब चल रहा है। और सभी जो बुल है उनका हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के सभी बुल है जी। जो NDDB में, NDRI में, HLDB में जिनके रिकॉर्ड है सभी वो बुल। बस मेरा एक था, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, उसके पापा का भी था कि मेरा बेटा वेटनरी डॉक्टर बने जी जी। और हम अपना गो फार्म खोल लें और गो सेवा करें घर। देखो एक सीमन बनवाने में 25 रूपए तक का खर्चा आता है, मेंटेनेंस में भी 5-7-10 रूपए का खर्चा आ जाता है जी। तो 30-32 रूपए में हमें एक सीमन पड़ता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो सांड है, हाँ, जो नंदी है उसका ही खर्चा निकालूं। मैं 50 रूपए भी की एक डोज सभी किसान भाइयों को या डॉक्टर है उनको दूंगा। अपना एक रोजाना जमीर और जहीर, गौ माता प्रकृति से जुड़ी हुई है जी। हम अपना जमीर और जहीर कैसे छोड़ दें? ये लगा होता है कुदरती, जो खून में ही होता है जी जी जी। एक तो पैसा हो और एक लगाओ जी। बिजनेस बाद में है, ये लगाओ पहले, लगाओ पहले। कितना नुकसान टोटल नफा कुछ हो जाओ, लेकिन इनके साथ नुकसान इनके साथ जाती नहीं कर सकते। पहले ये बाद में बच्चे। दोस्तों मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की एक काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी जो स्पेशल वीडियो है वो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने होने वाली है। आप देखें यहाँ पे जिला झज्जर का एक गाँव है खरमान, और मेरे हिसाब से इतनी भारी संख्या में जो गोवंश है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से पहला एकमात्र जो डेयरी फार्म है वो कवर कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गायों पे काम करते हैं जी। और काफ़ी अच्छा खासा जो प्रबंध है इनके डेयरी फार्म पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन वाइज जो गोवंश है उनको अगर आपका पशु समय पर नया ना आता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80595 37000 पर संपर्क करें। छोटी जो बछड़िया है वो यहाँ पे, फिर गाय, कुछ सांड भी है, और ऐसे वैसे सांड नहीं है जी, चैंपियन जो बुल रहे हैं वो। और आज जिनसे मैं मिलवाना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश की जो संस्कृति है, जो पहनावा है, माता जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद ही किसी गांव में आपको इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। और माँ बेटे की शानदार जोड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज पहुँचे हैं जिला झज्जर का गांव है खरमान।
और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं गोवंश को लेकर के। काफ़ी सारी वीडियोस आपने यहाँ से देखी होंगी, तो हमें भी एक वीडियो कवर करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता जी से ही। नमस्ते माता जी। नमस्ते भाई, कैसे हो जी आप? ठीक है जी। तो कितने टाइम से ये काम कर रहे हो, किस तरह का अपना काम है, मैं आपसे ही एक बार जानना चाहूंगा। जय गो माता जी, जय जवान जय किसान जी। जी हमारे को जी 5 साल हो गए जी ये गो माता का काम करते। अच्छा जी, तो माता जी किस तरह का अपना काम है, दूध वगैरह बेचते हो, सेल परचेज का काम है? सेल परचेज का भी अपना दिल्ली में दूध जाता है। दिल्ली में दूध जाता है, ठीक है। दूध भी, घी भी, मक्खन, दही, लस्सी, हर एक चीज जाती है जी। ये आप देखें जी, क्या नाम है माता जी अपना? मेरा रेनू सांगवान। और आप देखें सोशल मीडिया के काफी एक्टिव चेहरे, क्योंकि काफी सारी जो वीडियोज है वो आपने देखी होंगी। बीमारियों का जो उपचार, क्योंकि गौ माता का हर एक चीज हमारे डेली यूज में आती है, चाहे वो गौमूत्र हो या फिर गोबर, दूध वगैरह जितना भी है, हमारे जो शरीर के रोग हैं वो सारे गोवंश से ही कटते हैं। तो माता जी की काफ़ी सारी वीडियोस फेसबुक के माध्यम से हमने भी देखी, और जो इनके सुपुत्र हैं विनय सर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिलवाना चाहेंगे। नमस्कार विनय सर। जय गो माता, जय गोपाल। जी जी, बहुत बढ़िया सर, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, हमारे फार्म में, गोकुल फार्म में आपका स्वागत। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक बात और वीडियो के माध्यम से अपने पशुपालक भाइयों को क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए, युवा चेहरे हैं और पेशे से पशु चिकित्सक, एक वेटनरी डॉक्टर हैं वो रहे हैं, और काफ़ी जाने माने चेहरे। शुरू में कहाँ एक स्टड फार्म, एक घोड़ों का जो कामकाज था वो करते थे, आज कहाँ जो बेहतरीन किस्म का जो गोवंश है ये आप देखें जी, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारी जो गायें हैं वो भी इनके डेयरी फार्म पे हैं, और काफ़ी सारा जो गोवंश है वो गोचर में भी भेजते रहते हैं, तो इस तरह का जो माहौल है वो कभी कभी देखने को मिलेगा। और विनय सर हैं, तो विनय सर कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? सर हमने 2018 में सितंबर में स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है जी। गाय से उससे पहले हमारा स्टड फार्म था, हमने स्टड फार्म था। जी जी जी, हम ब्रीड करते थे मेरे फादर साहब। उसके बाद वो हमने देसी गाय पे गोपालन का स्टार्ट किया था 2018 में। तो उससे पहले गाय वगैरह कभी घर पे रखते थे? नहीं, गाय वगैरह एक गाय, दो गाय तो हमारे घर पे कभी से रही है, हमारे परिवार से जुड़े हैं। अच्छा, तो हमारे घर पे कभी से गौ माता हमने रखी है जी, और कभी मेरे दादा थे, परदादा थे जी, जी। गाय और घोड़ी हमारी स्टार्टिंग से रही है जी। जी जी, ये आप देखें जी, आर्य समाजी भी हैं, और आर्य समाज में गौ माता का एक विशेष स्थान है। तो जो अपना आर्य समाज है उसी से प्रेरित होकर के जो गोवंश है, का तो हर पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल बिल्कुल मेन स्थान है जी। थोड़ा सा सर समझने की जरूरत है इस चीज को। बिल्कुल, और आज के टाइम में सर जो देसी गाय से जुड़ा है वही आज के टाइम स्वस्थ है, जो इसका दूध है, घी है जी, जो इसका गोमूत्र है, हाँ हाँ, उसकी जो मेन अहमियत, इसको गोमाता, इसके जो मतलब साइड प्रोडक्ट्स पे इसको गोमाता कहा जाता जी जी जी, जो वेदों में पुराने हमारे जो बताया गौ को माता इसलिए कहा गया क्योंकि इसी से हमारा घर चलता था, इसके गोबर से हम अपना भोजन पकाते थे, उपला बना। बिल्कुल बिल्कुल, जो दूध से हमारा पौष्टिक आहार होता है। जी जी जी, यही बात है, ये आप देखें। तो विनय सर सेल परचेज थोड़ा बहुत करते हैं? सर हम सेल परचेज सिर्फ जो हीफर्स हैं, जो हमारी खुद की जो क्वालिटी, जो अच्छा करते होम ब्रीड से, होम ब्रीड जी, वो हम बछड़िया सेल करते हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट गायें कई बार सेल कर देते हैं, जो हमें मतलब सेल करनी है एक हम अपना जो, क्योंकि कोई भी फार्म है हा, हा। वो बेस्ट टू ब्रीड रखना चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे हमें जो लगती है कि हम इनको सेल करते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा कई बार हो जाती है हम ब्रीड करते हैं जी जी, तो हम वो सेल करते हैं। हम मिल्किंग काओ बहुत कम सेल, मिल्किंग काओ बहुत कम, क्योंकि हमारा खुद का सर है, हमारा मतलब जो ब्रांड है गोकुल A2 मिल्क, हमारा खुद की दूध की सप्लाई है द्वारका में, अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस है सेक्टर 7 में। ठीक है, और पूरे दिल्ली में हमारी सप्लाई है। तो क्या भाव बेचते हो सर दूध? सर हमारा जो दूध है 120 रुपीज पर लीटर, 120 रुपए पर केजी। जो हमारा जो देसी घी है बिलोना प्रवृत्ति से, जो वैदिक तरीका है, हाँ हाँ, उससे हम 3000 रुपए लीटर गाय का घी सेल करते हैं। 3000 रुपए किलो? हाँ जी। ये आप देखें जी, 3000 रुपए किलो जो देसी गाय है, जो गोवंश है उसका घी, और जितना भी गोवंश है काफी बेहतरीन, जो हमारे नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ हरियाणा में दिल्ली NCR में कोई ऐसा फार्म सेटअप नहीं है जो गायों को गोचर भी दे रहा हो और ऐसी मतलब व्यवस्था हो, और हाँ हाँ। जो हमारा सर हम यही हम भी बहुत जगह घूमे हैं जी, तो जी। हमने यही देखा कि
जो गाय है वो गोचर से जुड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और गोचर के साथ ही जुड़ के गायों का हम पूरा विकास और संवर्धन, गो संरक्षण, गो संवर्धन कर जी जी जी। तो उसी पे हमारा मेन प्रयास है। हमारा जो ब्रांड बनाने का भी यही तरीका था कि लोगों को ये समझ आए कि हम देसी गाय से कैसे सक्सेसफुल डेयरी फार्म रन कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल ये लगता है कि देसी गाय तो सिर्फ घर पे रखने के लिए, हाथ फेरने के लिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में बहुत अच्छी डिमांड है देसी गाय के दूध की जी। तो इसी के साथ हमारा जो फार्म सेटअप है, हम जो नौजवान युवा हैं या जो किसान है जो अपने देसी गाय पे काम करके बिल्कुल कुछ आगे बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये आप देखें जी, युवा चेहरे हैं, काफी बात करने का जो तजुर्बा है वो, और न सिर्फ तजुर्बा बल्कि अच्छा खासा जो ज्ञान है वो इनके यहाँ से सीखने को मिल रहा है। तो माता जी, बेटा जो इतना लंबा चौड़ा जो काम है वो संभाल रहा है गायों को लेकर के, गांव में लोगों ने कहा नहीं कि कहां भैंसों पशुओं में छोड़ दिया, गायें पढ़ाते लिखाते कुछ और कराते, बोले इसके पापा तो गुजर गए, अच्छा फार्म को कौन संभालेगा, कैसे चलेगा जी। लेकिन ये आज ये गौ माता की कृपा है, जो अम्मा बेटा पूरे सक्सेसफुल हुए हैं जी, आज जी। ये सब इन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिला मेरे को भी जी, काफी सबने कहा। लेकिन अपना एक रोजाना जमीर और जहीर, गौ माता प्रकृति से जुड़ी हुई है जी। हम अपना जमीर और जहीर कैसे छोड़ दें, ये लगाव होता है कुदरती जो खून में ही होता है जी जी जी। एक तो पैसा हो और एक लगाओ जी, बिजनेस बाद में है, ये लगाओ पहले। कितना नुकसान टोटा नफा कुछ हो जाओ, लेकिन इनके साथ नुकसान इनके साथ जाती नहीं कर सकते, पहले ये बाद में बच्चे जी जी। ये आप देखें जी, जो माँ का जब साथ बच्चों के साथ होता है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरा एक था, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, उसके पापा का भी था कि मेरा बेटा वेटनरी डॉक्टर बने जी जी, और हम अपना गो फार्म खोलें और गो सेवा करें घर। हाँ हाँ, तो माता जी क्या कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती होंगी, काफी सारा पशुधन आप रखते हो, गोवंश है वो आपके यहाँ पे? तो बेटा ज्यादा आई है मेरे साथ, जितनी दिक्कत तो आज तक किसी के आसपास के गांव के कमांड में भी इतना बड़ा हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, उधर पीट इधर इसको कोई भूलने वाला भी नहीं, इतना बड़ा इतिहास रचा गया। बिल्कुल एकदम, देखो आज जो भी है गौ माता की कृपा ही नहीं के सारे ही नहीं का सत्य ही नहीं का दिया हुआ मेरा अपना जी, जीवन है जो गौ माता ने मेरे को आज निरोगा जीवन दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखो इतना बड़ा, वहां से वहां तक एक किले की बाउंड्री में इसी तरह लेंटर था जी जी जी। सुबह का टाइम था, दूध वगैरह निकाल चुकी थी, मैंने धार निकाली थी उधर 7-8 गाय की, गौ माता की और भैंस भी थी जी, जी। एक जोड़ती थी जी, और मैं उसके बाद धार निकालने के बाद आगे देख लिया, मेरे को पता चल गया था जी, मैं इसको ढूंढती रही, बेटा भी ना बाढ़ आ गई दीवार पड़ेगी, बेटा भी ना भूकंप आ गया बेटा दीवार पड़े, यूं करते करते फिर इस तरह मैं 2-3 राउंड लगा दिए। मैंने दाएं बाएं देखा कि कोई गौ सेवक तो अंदर नहीं है जी, जो गौ सेवा वाले हैं तो वो सारे ही दरी थे गोबर उठा रहे थे जी, जी। एक लड़का उधर था, फिर जैसे ही उन्होंने बोला नहीं मम्मी इतना नहीं करेगा, जैसे ही मैं इसको ले नहीं बेटा गिरेगा, इतने दड़ाम देसी जिस तरह कुछ था ही नहीं यहाँ, इतना बड़ा था, मतलब मैंने सोचा सब आज तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया जी, मैं जी। तो वो एकदम से खत्म हो गई जी जी। हाँ कुछ उस टाइम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जी जी, कुछ बचा भी हुआ जी जी, लेकिन जो आज कुछ बदौलत है बस ये गौ माता की कृपा है, परमात्मा की दया है और इसी के सत्सहारे जीवन चलता है, और यही हमारा सबसे बड़ा यही है। देखो आज गौ माता ने दूसरा जन्म दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आज इसने लिया है कल देवी की, वो हम जी, जी। भी आ सकते थे, गौ सेवक भी आ सकते थे जी, जी। लैंडर के नीचे एक बच्चा भी आ सकता था, बिल्कुल। लेकिन देखो गौ माता अपने ऊपर लेगी सारी कड़ाई। तो माता जी काफी सारे पशुओं की डेथ हुई उस टाइम पे, काफी सारे थे, 10 तो बड़े थे और उनके काफी बच्चे भी थे, बछड़ा भी कटिया भी जी, दो छोटी छोटी कटिया थी मेरी, एक तो 2-2.5 महीने की जी जी। और एक 5-6 महीने की, वो बैठी हुई जुगाड़ती हुई मिली थी, वो परमात्मा की दया है जी, जी, किस तरह वो बच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल, वे दो छोटी कटिया बच्ची थी बस, और सारे सब खत्म हो गए। ये आप देखें जी, फिर से दोबारा जब इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद अपनी मेहनत के बलबूते पे फिर सारी चीजें दोबारा खड़ी हुई यहाँ पे, और भारी संख्या में जो पशुधन है वो फिर से गोवंश ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिला। तो विनय सर, पहले भैंसे वगैरह सब इकट्ठी रखते थे ऐसा था जी? जैसे हमने भैंसे घर के लिए रखी थी, दो भैंसे, क्योंकि
घर के लिए भी, और जैसे भैंस का हमारी अच्छी भैंस थी, क्वालिटी की थी, ठीक है, तो जैसे गायों को हमें देने के लिए भैंस का घी का उपयोग करते जी जी, वो एक तरह से औषधि का काम करता, गायों को भैंस का घी देना चाहिए और भैंस को गाय का घी देना चाहिए, ये आप देखिए, तो इसी के लिए हमने भैंसे रखी थी जी, उसका हम सिर्फ घी तैयार करके अपनी गायों के लिए और यूज करते थे। और दूसरा ये की मेन था कि जो हमारे भी हमें आर्य परिवार से और पहलवान प्रवृत्ति से भी रखते, तो घी का थोड़ा ज्यादा सुख लेने के लिए भैंस रखी थी। बिल्कुल, तो पर वो उसके बाद एक्सपायर होगी तो हमने उसके बाद भैंस नहीं रखी। ठीक है, तो ये देखें जी, काफी उतार चढ़ाव हैं वो जीवन में देखे हैं, कहाँ जो पिता का साया है वो सर के ऊपर से उठा, फिर पशु हैं भारी संख्या में, उनको भारी नुकसान हुआ और फिर भी हिम्मत नहीं हारी, माँ बेटे हैं, लास्ट तक लड़ते रहे, चलते रहे, और फिर जो परिणाम है, जो मेहनत का जो सफल परिणाम है, वो आज हम सब पशुपालक भाइयों के सामने हैं। तो विनय सर, सांड भी रखते हो जी, किस तरह के, कितने सांड हैं अपने पास? ये सर हमने वैसे चार ब्रीड्स रखी थी हमने स्टार्टिंग जी, से जी। हमने मतलब एक तरह से हमने ट्रायल बेस किया था हाँ। कि हमने जो इंडिया की टॉप मोस्ट मिल्चिंग ब्रीड है जी, साहीवाल है, राठी है, थारपारकर, गिर है जी, जी ये पांचों ब्रीड रखी, उनमें से हमने देखा कि सबसे अच्छी जो अपने एरिया में सक्सेस है मेरे मुताबिक, और मतलब पूरा साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें जी, तो जो हमारे जो हमें नेचर ने हमें प्राप्त करके दी है जी, जो हमारे खुद की नस्ल है, जिस एरिया में जो नस्ल है, हम उसी नस्ल पे अगर गो संवर्धन गो संरक्षण का काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल, रिजल्ट बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, ये थारपारकर नस्ल का आनंदी है, अभी 3.5 साल से, 3.5 साल ये देखें, ये हमने खुद का ब्रीड का तैयार किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हमारे एरिया में जी साहिवाल, थारपारकर और हरियाणा और राठी भी कहीं तक, यही चार नस्लें सक्षम है जी जी। गिर नस्ल को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं जी, जी। हमारे एरिया में सक्सेस नहीं, ये आप देखें जी। और कितनी उम्र बता रहे हो ये जी? लगभग मतलब हो गया जी ये 42-43 महीने का हो गया। नंदी देखें 42-43 मंथ्स के करीबन जो एज है वो, और स्वभाव आप देखें जी, इतना बलवान, इतना बलशाली होने के बाद भी बिल्कुल शांत और ठंडा। हमने तो जी इनको नाथ भी नहीं डाल रखी, ये देख सकते हैं किसी तरह का कोई नाथ नहीं, हमने सिर्फ रिंग भी इसलिए डाल रखी है कि कहीं हम बाहर शो में लेके जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसके टाइम इनको थोड़ा ये महसूस हो कि हाँ, नहीं तो हम कभी भी हम सिर्फ मोरे में रखते हैं। ये देखें जी, और मेन जो सांड होता है सरनंदी महाराज होता है, उसके जो मतलब यही है कि जितने शांत स्वभाव के हैं उतनी अच्छी उसकी हीफर्स बछड़ियां आएंगी, उतने शांत स्वभाव के दूध में आएंगी। तो चार नंदी हैं यहाँ पे, चारों में आपको बारी बारी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले टेस्टिकल्स देखें, काफी बेहतरीन, काफी जबरदस्त जो टेस्टिकल्स, इन्हीं के बिहाफ पे जो अगली जो पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट करते हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं इनके छोटे हीफर से, अभी इसकी बछड़ियां आई हैं, बहुत बेहतरीन, अच्छा ब्रीड बछड़ियां। तो सर क्या सीमन वगैरह अपने यहाँ पे मिलते हैं, डायरेक्ट मेटिंग कराते हो? हमारे पास बहुत ही जो गोपालक है, जो किसान है, उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उनके पास अच्छे सीमन है नहीं जी, तो हमने आज तक सीमन तैयार नहीं करवाए थे, हाँ, पर अभी आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन में मेरे पास सीमन तैयार हो जाएंगे, ठीक है, सभी नस्ले के, साहिवाल, राठी, गिर, थारपारकर। तो वो जो जो भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी को सीमन चाहिए तो वो आपसे संपर्क करे या कोई सप्लायर डॉक्टर वगैरह है आपका? हम जो डॉक्टर जो हमसे डायरेक्ट संपर्क करके हम उनको सीमन दे सकते हैं, और सभी जो बुल है उनका हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के सभी बुल है जो NDDB में, NDRI में, HLDB में जिनके रिकॉर्ड है सभी वो बुल है। सीमन कॉस्ट क्या रहेगी एक बार? सीमन कॉस्ट जी मैं चाहता हूँ किसान सब यूज करे, हम जो नॉमिनल कॉस्ट होगी ना, देखो एक सीमन बनवाने में 25 रुपए तक का खर्चा आता है, मेंटेनेंस में भी 5-7-10 रुपए का खर्चा आ जाता है, तो 30-32 रुपए में हमें एक सीमन पड़ता है जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो सांड है, हाँ, जो नंदी है, उसका ही खर्चा निकालूं, मैं 50 रुपए भी की एक डोज सभी किसान भाइयों को या डॉक्टर है उनको दूंगा, क्योंकि हमें बहुत फील्ड में ये सुनने को मिलता, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, कि जो HF के और जर्सी गायों के सीमन जो सस्ते रेट में मिलते हैं वो देसी गाय पे डॉक्टर रख जाता है, वो अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो जो देसी गाय के सीमन वो महंगी रेट में बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देसी गोवंश के भी सीमन बिल्कुल किसान रेट पे उपलब्ध हो। ये आप देखें जी, काफी युवा चेहरे हैं, काफी अच्छे विचार, 50 रुपए की जो सीमन स्ट्रो है शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगी, सारे रिकॉर्डेड बुल्स हैं, एक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और सबसे पहले जो गोवंश है वो धीरे धीरे देखिए आप, काफी बेहतरीन एक गाय है, जिसको ये भिवानी जो 38वां जो राज्य पशु प्रदर्शनी थी वहां पे लेकर के गए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हाइट लेंथ है उसका गोवंश आप देखें, काफी बेहतरीन, माताजी देखें गोवंश के साथ में। तो विनय सर कोई पोजीशन मिली वहां पे गए थे आप?
नहीं सर, हमें सिर्फ साहिवाल में और मारवाड़ी जो मेरा बच्चा जी, जी. है उसी में पोजीशन मिली और पोजीशन नहीं मिली. अच्छा, तो क्योंकि आजकल बहुत सारा हम कह सकते हैं फिक्सिंग है या पैसे का खेल है जी, जी. या मतलब एक जैक का सिस्टम है जी, जी. तो नस्ल की प्योरिटी सबको है, जो जहाँ पे किसान जो देखने आते हैं उनको भी पता, डॉक्टर्स को भी पता. बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं ये है कि लोग अपना जमीन बेचने रिश्वत लेके या वो सिर्फ आजकल बहुत फिक्सिंग चलती है जी. कोई बात नहीं सर, ये देखो आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, हम तो कहेंगे भगवान आप लोग ऐसे ही तरक्की करो. और जब माँ का आशीर्वाद सर के ऊपर हाथ है आपके हमेशा, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं. ये जो पानी का प्रबंध है ये देखें जी, साफ सुथरा पानी चुने की काफ़ी बेहतरीन जो व्यवस्था है पानी के अंदर वो. और गोवंश आप देखें, ये सारा साहिवाल और राठी जो गोवंश आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी बेहतरीन जी. ये आप सामने देख रहे हो, ये साहिवाल की गाय है, ये देखें इलाज करता नहीं इससे डरती. अच्छा अच्छा अच्छा, सभी पहचानती है क्योंकि कई बार तो डॉक्टर साहब सुई लगा देते हो हैं, सुई भी लगाते हैं कई बार, जैसे डिवॉर्मिंग है वैक्सीन वगैरह ज्यादा तो समस्या नहीं आती, पर उसी समय एक बार पहचान जाती है आप देखे थोड़ा ये रहता है इसकी तो काफी पहचान है, इसके बाइक के पीछे भी भाग लेंगे. ये देखो जी सुनहरी, ये माता जी का जो प्यार प्रेम है वो आप देखें, काफी अच्छा लगा ये जो गोधाम है वो कवर करके. बेटी कहाँ है? और ये देखें जी, एक और साहिवाल नस्ल का जो नंदी, काफी सारे पशु पालक भाइयों की डिमांड रहती है, स्वभाव में उतना ही शांत उतना ही सीधा, किसी तरह का कोई अग्रेसिव पन नहीं है. ये देखें टेस्टिकल्स देखें काफी बेहतरीन, और किसी तरह का कोई टेढ़ापन या फिर कोई झोल किसी तरह का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल शांत स्वभाव में लंबा चौड़ा एक पहलवान के जितना जो बुल है वो. हम्प देखें काफी बेहतरीन, और माता जी के साथ लाड़ जाओ देखें. तो माता जी सबसे ज्यादा आप ही संभालते हो इनको? हाँ, बिल्कुल मैं ही संभालती हूँ, बेटा तो बस दवाई पानी करता है जी. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ. ये देखिए बाहर अंदर का मेरा फीड का, बाहर का चारे वगैरह का और सारे प्रबंध करते, अंदर का सारा मैं ही व्यवस्था करती हूँ. जो दोनों टाइम है पशुओं के साथ, हाँ. जो सबसे ज्यादा समय बीती थी मेरी माँ माता जी, और मेरे को ये बच्चों की तरह जानते, मैं इनका नाम ले ना नाम लेती सारे, इसका नाम गुच्ची है उसका अरमानी है. अच्छा, ये देखें ये इसी का बछड़ा गोपाल और ये इसी का बेटा है गोपाल, इसको मैं ये साहिवाल नस्ल नंदी जो है उनका बेटा 13 महीने की उम्र में जो गोपाल है वो देखें. आप इसके टेस्टिकल देखें, काफी बेहतरीन टेस्टिकल्स आप देखें जी, काफी लाजवाब काफी जबरदस्त. तो विनय सर इसके भी सीमन कहीं ना कहीं मिलेंगे आने वाले समय में? ये सर अभी तो लगभग 1-1.5 साल में तैयार होगा. हाँ, बिल्कुल, पर ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बुल की प्रोजनी. बिल्कुल बिल्कुल, जो बछड़िया भी हम आपको दिखाता, पर अभी बछड़िया घूमने गई हुई है, हम आपको वहाँ दिखाएंगे. बाकी बछड़िया हमारी सेल हो जाती है सर, साथ साथ में, और इसकी कुछ बछड़िया है मैं वहाँ पे गोचर में. क्या कुछ कॉस्ट रहती है जो बछड़िया आप देते हो? बछड़िया सर जैसे 1-1.5 साल की बछड़िया हम नॉमिनल रेट में देते हैं, 15 से लेके 22,000 रूपए 22,000 रूपए एक दे देते हैं. ठीक है, 1.5 साल तक की जी. तो सारी अपनी रिकॉर्डेड होती हैं, सभी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन, हमने हर गाय का रिकॉर्ड मेंटेन रखा है, डेली हम दोनों टाइम मिल्क रिकॉर्ड करते हैं, उसी के साथ जी जी रिकॉर्ड तैयार करते हैं. एक और जो पीछे नंदी है, गिर नंदी आप देख सकते हैं, काफी लाजवाब काफी बेहतरीन. और सबसे पहले सर जो राठी है, एक बार मैं इसको कवर करके दिखाना चाहूंगा. काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड भी रहती है, एक नंदी और देखें जी, राठी नस्ल का और माता जी के प्रति प्यार प्रेम जो, ये देखें ये जी अभी बछड़ा ही है. हाँ हाँ, ये मिल्की था अभी. अच्छा, ये अभी मतलब 2.5 साल का हुआ है. ठीक है, और ये जो अपना इसकी माँ ने पहली बार में हमारे पास 18 किलो 600 ग्राम दूध निकाला. कौन से ब्यात में? पहले ब्यात, पहले ब्यात में. ये देखें फर्स्ट लैक्टेशन में इसने दूध निकाला है. कोई बात नहीं, कोई नहीं जी, कोई बात नहीं सर, बताएं बताएं प्लीज. ये जी जो प्योर जिसको राठी बोलते हैं, पाकिस्तानी ब्रीड, मक्खी चिन्ना इसको बोलते हैं जी, जी. आपने बहुत सारे राठी बोले यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे, पर ऐसी क्वालिटी में जो इसकी क्वालिटी है, जो टेस्टिकल का साइज है, जो ब्रीड क्वालिटी है, जो इसकी स्किन का कोट कलर है, वो आप देख सकते हो, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा. ये देखें जी काफी बेहतरीन, ये अभी मिल्क टी था, इसने अभी सर्विस देना स्टार्ट किया है. अच्छा, तो ये जो इसका जो फादर है वो राजा बुल्ला बीकानेर का, जो अभी बेंगलोर में बहुत फेमस बुल जी, जी. उसका बछड़ा है, और इसकी मदर हमारे पास ही है जिसने पहली बार में 18 लीटर दूध निकाला जी, है. जी. अभी दूसरी बार अभी 22 लीटर दूध तैयार है जी. तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन से पेडिग्री से ये
बिलोंग करता है ये आप देखें और जी। इसकी ब्रीड क्वालिटी से ही जो है उनको नॉन पता लग जाए बिल्कुल कैसी ब्यूटी है ब्रीड क्वालिटी है। काफी है। अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, तो आने वाले समय में जो इसके भी सीमंस हैं वो आपको मिलेंगे। जो मैंने एक देखा राठी पे बहुत सारे लोग काम करते हैं पर राठी का सीमन ही अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो राठी का सीमन जो साहिवाल का ही सीमन राठी गाय पे यूज करते हैं, इसकी वजह से जो ब्रीड की प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो इसी के लिए हमें ऐसे बुलों की बहुत जरूरत है। ये देखें जी, और एक सेक्शन है छोटी हीफर्स जो एक साल से कम की हैं, जो मिल्किंग वो यहाँ पे आप देखें जी आराम फरमा रही हैं, काफी बेहतरीन जो बछड़ियाँ हैं वो तैयार कर रहे हैं, और किसी तरह का कोई दिखावा या फिर किसी तरह की कोई ऐसा नहीं है। जैसा जो गोधन है वो सारा यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये देखें ये राठी नस्ल काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब, काफी हशुश जो फीमेल काफ्स हैं, सारी फीमेल हैं जी, मेल भी हैं इनमें, मेल भी हैं, जो फीमेल और मेल दोनों पर 60% फीमेल। ये देखें जी, अच्छा माता जी नाम सारे अपने देसी नाम। आजा बेटी जमुना तू भी आजा, आजा बेटी आजा, आ बेटा बीरमती आई मेरी बेटी, और क्या होगा मेरी बेटी का। ये देखें जी प्यार प्रेम सिर्फ न सिर्फ माता जी का अपने बच्चों से जमुना तू भी आ, बल्कि जो इनका जो गोधन है उनके प्रति भी इसी तरह का लाड चाव प्यार प्रेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मटरो ये देखें जी, आजा बेटा ले आइए, काफी अच्छा लगता है इस तरह की वीडियोस कवर करके। और ये देखें जी, जैसा हम गोधन हो या फिर कोई वैसा पशुधन हो जिसको जैसा रखेंगे उसी प्रवृत्ति में वो ढलता चला जाता है। ये तो है, हमने ये खुद देखा है कि हम बछड़ी का जो नाम है या बछड़े का नाम, हम 21 दिन तक उसको लगातार बांधते खोलते समय दूध पिलाते समय हमारे जो गो सेवक हैं गोपालक उनको भी यही बोलते हैं कि इसका नाम लेके बोलो। ये देखें 21 दिन बाद हमने खुद ये रिजल्ट देखा कि वो बछड़ी खुद जैसे बाड़े में अंदर भी ऐसे ही खुले दूध के समय उसको नाम लेके बुलाते वो खुद बाहर निकल गया। तो ये जैसे हमारे छोटे बच्चे को नाम लेके पुकारते हैं उसको अपना नाम पता चलता है, ऐसे हम ये बछड़ों के साथ करते बछड़ियों के साथ करते। समझदार बहुत है जी, पर ये बोल ही नहीं सकते, इनमें समझ बहुत है। बिल्कुल, तो यही इनको नाम लेके बुलाते ये खुद समझ जाते हैं कि हमारा ये नाम है। ये देखें जी, तो ये जो आम किसान है वो भी अपने घर पे अपने जो बछड़ा बछड़ी उसको जन्म के 21 दिन तक उसका नाम लेके बुलाएं। बिल्कुल, 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे नाम लेते हो आपके साथ आता है, तो ये बिल्कुल सच्चाई है। ये देख सकते हैं जी, एक बार विनय सर थोड़ा अंदर की व्यवस्था और, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं दिखाना चाहूंगा अपने पशुपालक भाइयों को। और एक अच्छा गोधाम हम इसको कह सकते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं गोवंश को लेकर के जी। हर तरह के जो बुल्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो साहीवाल हो या फिर राठी हो या फिर जो हमारे थार पार्कर में, और एक और था जो काफी बेहतरीन जो बुल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अंदर की व्यवस्था है वो, और एक बार विनय सर के साथ में जाकर के दिखाना चाहूंगा। गिर नसल ये देखे जी, अभी ये 4 साल का हुआ है जी, ये प्योर गोंडालियो ब्लड लाइन, हाँ हाँ, अर्जुन का बेटा है जी जी। तो ये बहुत अच्छे है, जो भावनगर गुजरात से हम इसको लेके आए थे, अच्छा ब्रीड नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन से इसके बहुत अच्छे काफ हमारे पास आए। स्वभाव में ये भी बिल्कुल ठंडा बिल्कुल शांत, देख सकते हैं हमने इस तक आज तक नाथ नथनी जो बोलते हैं वो भी नहीं डाली है, बहुत शांत स्वभाव बहुत अच्छा। ये आप देख सकते हैं जी, तो इसके भी सीमंस उपलब्ध कराएंगे सर। हाँ जी, आपको हर ब्रीड के सीमंस उपलब्ध करा देंगे सर। ये देखे जी, न सिर्फ हमारी हरियाणा की जो वेशभूषा है वो यहाँ पे देखने को मिली, अद्भुत प्यार प्रेम देखने को मिला, अच्छा गोधन देखने को मिला, काफी सारी चीजें सीखने को मिली जानने को मिली, और साफ सफाई जो मेंटेनेंस है वो भी काफी बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिला। तो जितना भी वीडियोस काफी लंबी हो गई है माफी चाहूंगा उसके लिए। बाकी विनय सर एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एक बार अंदर की व्यवस्था, अंदर का मिल्किंग एरिया का, तो भैया ये देखें दूध वाली गाय है ये रहती है, इसमें अलग सेक्शन बना रखे हैं, मेल का फीमेल का, ईयरलिंग हीफर है वो अलग बाड़े में रहती है। तो ये आप देखें यहाँ पे सभी जो ये लैंग्वेज शेड है इसमें दूध वाले पशु रहते हैं, और जो आयरन शेड है उसमें हम जो हमारी हीफर्स है जो ड्राई का जो बुल है वो रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना भी बेशक गोधन यहाँ पे काफी अच्छा खासा है के किसी तरह की साफ सफाई ना हो, पूर्णतया साफ सफाई के साथ जो प्रबंध है जो अरेंजमेंट है वो इन्होंने दिखाया अपना, काफी बेहतरीन काफी लाजवाब। और जो वाक्या है हमने एक वीडियो देखी थी, ये देखिए जी जो दीवार थी वो यहाँ से गिरी थी,
काफी सारे पशु थे जो इनके उसके नीचे दब करके जो डेथ हो गई थी उनकी, करीब करीब 14 थे विनय सर, 14 जो पशुधन थे वो। ये देखे जी शेड की व्यवस्था, इतना बेहतरीन शेड मेरे हिसाब से कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन हर तरीके से, हवादार। साइड से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जालियां आप देखें ताकि किसी तरह का कोई मक्खी मच्छर अंदर प्रवेश ना कर पाए। ये देखें जी, और जो बछड़ियां हैं तो इनकी क्या कुछ उम्र है, जो एक अलग सेक्शन आपने बनाया। साल से डेढ़ साल के लगभग, मतलब 12 से 20 महीने तक की बछड़ियां। ठीक है ठीक है। ये सभी बछड़ियां इसमें मिक्स है, ये राठी है, साहिवाल है, हरियाणा भी है, जिसे कई साहिवाल राठी भी मिक्स है। जी जी, क्योंकि कई हम प्रेग्नेंट गाय लेके आते हैं, वो भी जैसा काफ होता है तैयार करना पड़ता है। ये देखें जी, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। और विनय सर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मैं चाहूंगा कि जो भी पशुपालक भाई या फिर जो गोप्रेमी हैं हमारे हीफर्स, जो बछड़ियां हैं अच्छी जो लेना चाहें इनसे, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं घोड़े पे, ये देखें। हमने शौक था स्टार्टिंग से ही बता रहे थे, स्टड फार्म से शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज भी जो कुछ एक घोड़े हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसकी मदर है, घोड़ी है ये। अच्छा, इसका बच्चा भी 5 महीने का होने वाला, सिर्फ 5 महीने की उम्र है। तो जी ये बहुत अच्छी ब्रीड क्वालिटी में, ये भी हमारी इंडिजिनियस ब्रीड है। जी जी, तो ये इनको भी हम संभाल के रखेंगे। हाँ हाँ, मतलब शाही जो शौक होता है एक अच्छा, मतलब आज के नौजवान को होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हॉर्स के साथ आदमी भी फिट रहता है। बिल्कुल, सुबह इसके साथ हम जॉगिंग करते हैं, इसको राइडिंग करके आते हैं, तो खुद भी हमें फिट रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फिट रहता है। बिल्कुल सर, तो ये यही है सर, जो क्योंकि फार्म सेटअप किया तो सभी चीज शौक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देखें जी। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, काफी अच्छा बेहतरीन। जो एक चीज और विनय सर दिखाना चाह रहे हैं, ये सर हम जैसे गाय के गोबर से हम गमले बनाते हैं। अच्छा, हमारे जो कस्टमर है कई बार डिमांड आती थी जी जी, कि हम गाय के गोबर के गमले हम देंगे। हमने गाय के गोबर से, ये भी पूरे तैयार नहीं है वैसे। अच्छा, इस पे अभी ये आधे तैयार है, जैसे ये हमने बहुत हल्के हैं, ये तो हल्के हैं बिल्कुल, और ये वाटर प्रूफ होते हैं। इसमें ऊपर से हम व्हाइट कोट की पेंटिंग करेंगे और इसपे कलर लगाएंगे जी जी। और जैसे ये हम पूरा तैयार करके कस्टमर्स को हम देते हैं। तो क्या कुछ रेट ये हम, इसका एक प्राइस रहता है पूरा तैयार होने के बाद 60 रुपए का एक गमला, 60 रुपए का। हाँ, ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक जो इसमें पौधा लगाते हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ ग्रो करता है। तो सिर्फ छोटा या बड़े साइज के भी हैं हमारे पास? हमें यही साइज है एक्चुअली, हम बड़े साइज का भी बना सकते हैं जी, हमारे पास मशीन है। तो ये इसमें ये देखें जी, आधुनिकता की चकाचौंध में जो मशीनीकरण है, युग है, उसके साथ चल रहे हैं। तो इसमें हम बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा हमने इसलिए बनाया क्योंकि जैसे ऑफिस वर्क है या अपने घर में बालकनी में जी जी टू एसएस। ये आप देखें जी, तो काफी सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही जगह से आप सब पशुपालक भाइयों को देखने को मिली। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।